हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है, ट्रांजिट से अलग है, गोचर से अलग है। आज मैं बात करूंगा इंदु लग्न की। इंदु लग्न क्या होता है, वेल्थ पॉइंट भी इसको भी आप कह सकते हैं, या वेल्थ असेंडेंट। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इंदु लग्न जो है, जो क्लासिक जो टेक्स्ट है, जो आप कह लीजिए कि जो ज्योतिष से जुड़ी हुई किताबें हैं, शास्त्र हैं, उनमें जो कालिदास जी ने लिखा है उत्तर कलामृत में, उसमें इंदु लग्न का जिक्र किया गया है। इंदु लग्न से आप किसी के वेल्थ का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रोस्पेरिटी रहेगी, कितना पैसा उसके पास रहेगा और वो कब उसको मिल सकता है, कब आपके पास पैसा आ सकता है। अब देखिए, पैसे से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई कहीं से उड़ के पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इंदु लग्न का जो स्वामी है, ठीक है, या जो ग्रह इंदु लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी दशा अंतरदशा में, या जब वहां से गुरु गोचर करेगा तब आपको धन की प्राप्ति, या जॉब लगना, नहीं जॉब लगना, जॉब में प्रमोशन होना, ठीक है, या कोई मेजर इवेंट, अच्छा इवेंट आपकी लाइफ में जरूर होता है। ठीक है, खास करके गुरु को मैं गोचर में क्यों मान रहा हूं कि जब गुरु इंदु लग्न को देखता है या इंदु लग्न के स्वामी के ऊपर से गोचर करता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा धन की प्राप्ति, कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलता है। ठीक है, मतलब अर्निंग स्टार्ट हो सकता है, या उसकी स्पेशली अगर मान लीजिए गुरु भी इंदु लग्न को देख रहा हो और उसमें कुछ दशा अंतरदशा ऐसी चली हो कि इंदु लग्न के स्वामी की दशा अंतरदशा चली है, ठीक है, जिसको हम वेल्थ पॉइंट करते हैं, तो वो जो पीरियड रहता है उसमें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है कि प्रमोशन हो गया भाई, है ना, या कुछ पैसा रुका हुआ है आपका, या कहीं से गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिल गया आपको किसी चीज के लिए। तो यहाँ पर वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई छुपा हुआ धन मिलेगा, अचानक से आप अमीर बन जाएंगे। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ श्रेष्ठ धन की प्राप्ति आपको जरूर होती है। ठीक है, धन मतलब पैसा मिलना। ठीक है, तो इंदु लग्न से आप ये मत समझिएगा कि मेरा तो ये लग्न है, मेरा तो वहां उच्च का बैठा है, मेरे को तो बहुत पैसा आना चाहिए। उसकी दशा अंतरदशा में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा और वो डिपेंड करता है कि इंदु लग्न का स्वामी कैसा है। अब इंदु लग्न को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर कलम जो है, कालिदास जी का उत्तर कलम जिसको हम कहते हैं, उसकी जो किताब है उसमें कुछ वर्णन है, उसमें कलाएं दी गई है, ग्रहों को कुछ कलाएं दी गई है, जैसे कि सूर्य को 30 कला, चंद्रमा को 16, मंगल को 6, बुध को 8, गुरु को 10, शुक्र को 12 और शनि को 1। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी कुंडली खोलनी है, उसमें देखना है कि आपका लगन कौन सा है और उस लगन से नवम भाव कौन सा है और उसका स्वामी कौन है। देखिए, जैसे इस वीडियो में मकर लगन है, ये चार्ट है उसका, इंदु लगन क्या है, मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, वो उसको कब धन की प्राप्ति हुई, क्यों हुई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये इंदु लगन, ये देखिए, ये मकर लगन है, तो मकर लगन में नवम भाव का स्वामी बुध हो जाता है। क्योंकि बुध क्यों हो जाता है, क्योंकि कन्या राशि नवम में आती है। ठीक है, आपकी कौन सी राशि आती है उसी हिसाब से उसका स्वामी होगा, वो आप कहीं भी देख ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अपनी कुंडली खोल सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर नवम देखना है आपने, लगन से नवम भाव का स्वामी बुध है, तो बुध को कितनी कला मिली है, 8, तो आप उसको 8 को लिख लीजिए। ठीक है, उसके अलावा इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, तो अब चंद्रमा से आप नवम देखिएगा, 7, 8, 9, चंद्रमा से नवम में कौन आ गया, शनि आ गया। ठीक है, शनि को कितनी कला मिली है, 1, तो हम उसको ऐड कर लेंगे, 8 + 1 = 9, और इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। अगर ये संख्या 12 से ज्यादा जाती है तो उसको 12 से डिवाइड कीजिएगा और जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष बचेगा, ठीक है, उसको आपने चंद्रमा से काउंट करना है, वो आपका इंदु लग्न बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 12 तो नहीं आया, 9 आ गया, तो डिवाइड करने की जरूरत तो नहीं है 12 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 यहां से गिन लेंगे चंद्रमा से। ठीक है, यहां पर 9 कितना आ गया, 7, 8, 9 आ गया यहां पर, तो ये इसका इस कुंडली का इंदु लग्न हो गया अक्वेरियस, यानी कुंभ। और कुंभ, ठीक है, समझ गए आप, क्या करना है कि अपनी कुंडली के नवम भाव के स्वामी का देखना है, उसकी कला मैंने लिखी हुई है 30, 16, सूर्य की 30 है, चंद्रमा की 16 है, मंगल की 6 है, बुध की 8 है, गुरु की 10 है, शुक्र की 12 है, शनि की 1 है, तो उसको लिख लेना है। जैसे बुध की 8 है ना, तो 8 लिख लिया, फिर चंद्रमा से नवम कौन सी राशि आती है, उसका स्वामी कौन है, देखिए यहाँ पे कुंभ आ गया तो शनि उसका स्वामी है, तो उसको एक नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 9 आ गया। अगर ये संख्या 12 से ज्यादा होगी तो हम उसको डिवाइड करेंगे, जैसे 40 होगी तो मैं 12 को से डिवाइड कर दूंगा, तो 12 + 3 = 36 कैंसिल हो गया, 4 बच जाएगा, तो मैं चंद्रमा से 4 कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पर आएगा, तो वो उसका इंदु लग्न हो गया। यहाँ पर 9 आ गया,
ठीक है, यहां पर 9 आ गया, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर से चंद्रमा से 9 7 8 9, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो शनि इंदु लग्न का स्वामी हो गया और कुंभ जो है इसका इंदु लग्न हो गया। अब देखिए इस कुंडली में देख लीजिए, ये भी मकर लग्न की कुंडली है, यहां पर नवम स्वामी, यहां भी बुध है, तो बुध को कितनी कला है 8, अब चंद्रमा से नवम देखेंगे तो ये राशि पड़ेगी 7 8 9, ठीक है, जैसे चंद्रमा से सप्तम अष्टम नवम, तो बुध उसका स्वामी कौन है, गुरु, तो मैं इसके और इसके स्वामी की जो कलाएं हैं उसको ऐड कर लूंगा, बुध और गुरु, तो बुध को कितना है 8, गुरु को कितना है 10, तो 8 और 10 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है, 18 को मैं 12 से ज्यादा हो गया तो डिवाइड करूंगा तो कितना शेष बचेगा 6 बचेगा, तो मैं चंद्रमा जो है इसकी कुंडली में वहां से 6 कैलकुलेट करूंगा, 1 2 3 4 5 6, तो उसका इंदु लग्न आ गया ये धनु, और उसका स्वामी बैठा है यहां पर गुरु और वहां शनि बैठा हुआ है, तो क्या कहा गया है कि जो इंदु लग्न का स्वामी है अगर वो एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, या इंदु लग्न में ही कोई उच्च का प्लैनेट बैठा हुआ है, या गुरु बुध शुक्र, ठीक है, या चंद्रमा भी बैठा है शुभ योग में या शुभ प्रभाव में, या शुभ प्रभाव को छोड़ दीजिए, अगर गुरु बुध शुक्र ही बैठे हुए हैं और चंद्रमा बैठा हुआ है शुभ ग्रह, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा धन आपको देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसी से हम जज कर सकते हैं कि उसके पास कितना पैसा होगा, अगर वहां पर बेनिफिक अच्छे शुभ ग्रह ज्यादा बैठे हैं तो अच्छा पैसा होगा, उसका जो स्वामी है वो कैसी स्थिति में है। अगर हम यहां देखें इंदु लग्न का स्वामी शनि हो गया, शनि जो है केंद्र में ही उच्च का बैठ गया है तुला राशि में और शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, कोई पाप प्रभाव नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें शनि लग्नेश ही है, तो लग्नेश ही का इंदु लग्न का स्वामी होना अपने आप में ये अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं शुक्र के साथ राशि परिवर्तन योग है, तो इस व्यक्ति ने जब शुक्र की अंतरदशा थी तो अच्छा पैसा कमाया, और जब शनि की अंतरदशा दशा आई तब भी ये काफी अच्छा धन कमाएगा अपने जीवन में, और अच्छा पैसा है इस व्यक्ति के पास क्योंकि इसका इंदु लग्न इतना स्ट्रांग है, ठीक है। इसके अलावा जब भी गुरु यहां से गोचर कर रहा था लगभग 2013-14 में, और यहां पर गोचर कर रहा था, यहां पर गोचर कर रहा, तो 2013 से 16 के बीच में अच्छा पैसा कमाया, अच्छी गाड़ी अच्छा वाहन, क्योंकि गुरु क्या है ना, वैद्य का कारक है और शुभ ग्रह है वो, तो गोचर से भी आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि वो इवेंट होना है या नहीं होना है, ठीक है। गुरु की दृष्टि शुभ है, गुरु खुद में अपने आप धन का कारक है, तो जहां वो देखता है, जिसको देखता है उसकी वृद्धि करता है कहीं ना कहीं, तो ये जब इंदु लग्न को देखेगा, इंदु लग्न के स्वामी को देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपको जो है धन की प्राप्ति, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना, जॉब में प्रमोशन मिलना, ठीक है, ये सब होगा, समझे आप, कोई पैसा फंसा हुआ है, कोई इनहेरिटेंस का पैसा मिलना है, उसके योग बन जाते हैं इंदु लग्न जब एक्टिव होता है, ठीक है। तो यहां पर गुरु के गोचर का बड़ा रोल है, तो गुरु के गोचर का देखिए कि क्या उस पॉइंट से वो गोचर कर रहा है, उसके स्वामी के ऊपर से गोचर कर रहा है। अब मिलेगा मान लो किसी की इंदु लग्न की स्ट्रेंथ ही इतनी है कि उसको भाई 20-50 हजार ही मिलना है, तो उसको उतना ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अच्छी स्थिति में है ये, शनि उच्च का है। अब सेम यही चार्ट देख लीजिए, यहाँ पर इंदु लग्न क्या कैलकुलेट किया था हमने, धनु, अब धनु का जो स्वामी है वो गुरु यहाँ छठे भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, और इंदु लग्न को देख रहा है, तो अच्छा है, मॉडरेट वेल्थ रहेगी बंदे के पास, इसके पास ज्यादा पैसा रहेगा, इसके पास मॉडरेट रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके इंदु लग्न का स्वामी यहाँ पर अपने से सप्तम तो गया हुआ है, अपने से केंद्र गया है, अच्छा है, लेकिन शत्रु की राशि में बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि में है। इसके अलावा इंदु लग्न में जो ग्रह बैठा हुआ है वो शनि है, तो इसको जो है गुरु और शनि की दशा अंतरदशा में पैसा मिलेगा जरूर, ठीक है। और एक थोड़ा सा इंदु लग्न से ये भी आइडिया लग जाता है कि व्यक्ति किस वे में पैसा कमाएगा, जैसे यहाँ पर गुरु है इंदु लग्न का स्वामी, गुरु शनि और शनि इंदु लग्न में बैठा हुआ है, तो गुरु शनि का युति ज्योतिष से, टीचिंग से, दूसरों को कंसल्टेंसी से पैसा कमाएगा, ठीक है, इंदु लग्न से हमें आइडिया मिल रहा है। यहां पर अगर हम देखें शनि है, ठीक है, तो शनि किसका कारक है, जॉब का कारक है, और शुक्र जो है किस चीज का कारक है, मीडिया का कारक है, फाइनेंस का कारक है, ठीक है, व्हीकल का कारक है, तो हो सकता है ये जो बंदा है उन चीजों से पैसा कमाए, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया हमें जरूर लगता है इंदु लग्न से कि आपको पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो जब इस यहां पर जब गुरु यहां पर गोचर कर रहा था, ठीक है, अक्टूबर 2013 से 14 में इस कुंडली में, तो आप देखेंगे यहां पर वो इंदु लग्न के जो स्वामी है गुरु, जन्म के गुरु, उसको देख रहा था, ठीक है, और शनि भी उस समय यहां पर गोचर कर रहा था जो कि इंदु लग्न में बैठा हुआ है, अपनी तीसरी दृष्टि से उसको देख रहा था,
ठीक है, 2013-14 की बात है, तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिली, उसको गवर्नमेंट जॉब मिली उस पीरियड में, उसके धन की प्राप्ति स्टार्ट हुई, पहले कुछ नहीं था, अर्निंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा जब यही गुरु यहां पर गया, अभी अभी चल रहा है, तो इसको जो है अच्छा खासा पैसा जो है मिलना स्टार्ट हुआ उसके बाद, क्योंकि गुरु उसका इंदु लग्न का स्वामी है, वो अपने उस लग्न में गोचर कर रहा है इस समय और खुद को देख रहा है अपनी सप्तम दृष्टि से, और कहीं ना कहीं जो शनि इंदु लग्न में बैठा हुआ उसको भी एक्टिवेट कर रहा है। तो अक्टूबर 2017 से तो शनि भी यहाँ चल रहा है, तो इस दौरान ही शनि देखिएगा इंदु लग्न में बैठा हुआ है, तो इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ कि इसका प्रमोशन हो गया जॉब में, ठीक है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, और अंतरदशा भी इसकी शनि की चली हुई है। आप देखा जाए तो इस कुंडली में शनि जो है लग्नेश है, 12वें में गया हुआ है, नो डाउट एक्सपेंडिचर्स होंगे, लेकिन शुभ कार्य एक्सपेंडिचर्स होंगे, पैसा भी देगा यही शनि, मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि लग्नेश अपने से 12वें में गया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है कुछ पैसा जो है इसको अर्निंग बढ़ा जरूर है, इसकी लाइफ में पैसा बढ़ा जरूर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो अंतरदशा शनि की आ गई जो कि इंदु लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, गुरु जो कि इंदु लग्न का स्वामी है वो वहां गोचर कर रहा है और इसको देख रहा है, अपने को देख रहा है, बेनिफिट प्लैनेट है, तो गुरु का बहुत बड़ा रोल है इंदु लग्न को एक्टिव करने में, और प्लस दशा अंतरदशा, ठीक है, उस समय में विशेष आपको धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगी, और किस वे में किस तरीके से हमें पैसा मिल सकता है वो भी हमें आइडिया लगता है इंदु लग्न से। तो आप इस तरीके से अपने इंदु लग्न को कैलकुलेट करिए और देखिए कि उसकी दशा अंतरदशा कब आ रही है, कब गुरु उसको देख रहा है, कब वहां से गोचर कर रहा है, इंदु लग्न का जो स्वामी है कब गुरु उसके ऊपर से गोचर कर रहा है, ठीक है। जितना अच्छा होगा, एग्जॉल्टेड होगा, अच्छी स्थिति में होगा, पाप प्रभाव में कम होगा, ठीक है, इंदु लग्न का स्वामी, उतना ज्यादा आपके पास धन रहेगा, ठीक है। और इंदु लग्न से गुजरते हुए जब गुरु शनि या उसकी अंतरदशा आती है जो इंदु लग्न का स्वामी होता है, उसमें आपको जो है कई इवेंट भी होते हैं, जैसे संतान प्राप्ति, शादी, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ये भी होता है, ठीक है, जॉब स्टार्ट होना नहीं, समझ रहे हैं। तो अपने इंदु लग्न को कैलकुलेट करिए और देखिए कि आपकी कुंडली में कितना पैसा है और वो कब आपको मिलेगा, सिंपल सा है, जमा घटाव करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 12 से डिवाइड करते हैं जब ऐड करने के बाद, चंद्रमा से नवम भाव के स्वामी को और लग्न भाव के स्वामी की जो कलाएं हैं जो मैंने लिखी है उसको जमा करने के बाद, मान लीजिए आपका ऐसे अंक आता है जो 12 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 आएगा, तो आपको 12 लेना है। जैसे मान लीजिए 24 आगे ऐड करने के बाद, तो आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से शेषफल क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब आपने चंद्रमा से 12वें में जाना है, कोई भी ग्रह, तो चंद्रमा से 12वें में यहाँ ये बैठी है, तो ये वृष राशि है, तो वृष जो है उसका इंदु लग्न हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और ये एक ऐसा नहीं है ये टेक्निक्स काम करती हैं, थोड़ा सा इसमें और कुछ चीजें हैं, ठीक है, कि भाई इंदु लग्न में मान लीजिए कोई स्वामी नहीं है तो उससे केंद्र या त्रिकोण में कौन सा ग्रह बैठा है, उस इंदु लग्न को कौन देख रहा है, उसका इंदु लग्न का लॉर्ड कौन सा है, उसके हिसाब से आपको धन की प्राप्ति होगी, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा वीडियो, छोटा सा वीडियो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।